वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मस्त गेम। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी होली, क्योंकि होली के दिन ही मैं इसको जो वीडियो को अपलोड करने वाला हूं। तो आज की जो अपनी वीड़ियो होने वाली है वो होने वाली है 2021 ड्यूक 125 BS6 वेरिएंट वर्सेस रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 BS4 वेरिएंट। तो इन दोनों मॉडल के बीच में हम एक छोटा सा ड्रैग रेस करेंगे, जिनमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस बाइक का जो इनिशियल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो ड्रैग रेस है वो मैक्सिमम 150 या कह लो 200 मीटर्स के आसपास जो ड्रैग रेस होने वाली है, और ड्रैग रेस होते भी छोटे हैं, जिससे कि बाइक में पता चल जाता है कि इस बाइक में एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो दोनों ही बाइक काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं, और जो KTM की 125 है वो भी काफ़ी पॉपुलर है, और जो रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड सीरीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मिलते हैं डायरेक्ट ट्रैक। 1 2 3 और भाई 350 क्लासिक बिल्कुल निकल गई आगे, और ड्यूक भाई बहुत पीछे रह गई है। यो किस तरह हो गया लॉन्च? वजन है यार, आगे निकल गई। मान ली भाई तेरी तेज चाल है। एक दो तीन और भाई इस बार जो है लगभग ड्यूक बराबरी कर चुकी है, लेकिन ड्यूक वाले भाई का लॉन्च थोड़ा पीछे रह जाता है, तो इस वजह से भाई आगे नहीं निकल पा रहा वो, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड का इनिशियल है वो भाई थोड़ा पहले खींच जाता है, लेकिन ड्यूक वाला इनिशियल बहुत पीछे रह रहा है। तो नहीं हो रहा है लॉन्च, ढंग से ना हो रहा है लॉन्च में, रह जाए तू पहला गड़ा है बाद में गड़ा है आगे। तेरा लॉन्च को नहीं हो रहा, ये थोड़ा आग पहला गड़ा है, नहीं गैप घना बन जाए फिर। लास्ट है गे छह सात हजार आरपीएम तक रह राग, 6-7 हजार आरपीएम तक रह राग इन्हें। ना ना इतना को नहीं हो है, चेक कर लेने एक बार, चेक करके देख ले तू। इस तरह ही होगा क्या, इस तरह ही उठेगा इसका लॉन्च? थोड़ा शुरू में जब ड्राइविंग करता रहेगा ना, जैसे उठेगा नहीं तो उठे को नहीं। 1 2 3 अब की बार भाई थोड़ी सी बराबरी होगी है ड्यूक 125 की, लगभग आगे निकल गई भाई, अब की बार आगे निकल गई ड्यूक 125। बना दिए भाई, वीडियो डाल दियो आज। ठीक है, तो कितनी बार बच्ची भाई ये 3 बार जीत गई, और इस बार लास्ट वाली रेस में थोड़ी सी पास गई थी शायद है ना, इसने इस जगह हाँ जगह को नहीं दी इसने जानबूझ के, हाँ नहीं तो निकल जाती। तो फाइनल रिजल्ट यही है कि जो ड्यूक 125 है, एक बार और भाई कर ले भाई, 3 बार तो हार लिया यार, भेड़ दे आजा, मन में भी इतने मेरा पास ध्यान को करो था यार, मैं कोई दिक्कत नहीं था, अगला बजा ले जा। तो हमारी रॉयल एनफील्ड जो आगे निकल गई भाई, जैसे कि हमारा मानना था कि ड्यूक 125 निकलेगी, लेकिन ये भाई जीत गया हमारा कोविद भाई। तो कुछ भी कह लो भाई, ये कह लो कि वो बाइक नई थी या फिर उस बंदे का लॉन्च सही नहीं हो रहा, तो 3 रेस कर ली है, लेकिन फिर भी जो अभी तक यही निकल रॉयल एनफील्ड ही जीती है भाई 3 रेस में। तो फाइनल तो यही भाई कि विनर जो है ड्यूक 125 और रॉयल एनफील्ड में जो है अपनी रॉयल एनफील्ड ही होती है।